अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है इमली वाले चने, चटपटे बड़े मजे के। मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, चले आए बताती हूँ। आधा किलो मैंने चने लिए हैं, ये मैंने बॉयल करके रख लिए थे। और इसी तरह मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, तीन आलू मैंने काट के रख लिए कटिंग करके, और तीन मैंने मैश करके रख लिए। इसी तरह ये मैंने गार्निश के लिए थोड़ा एक प्याज है उसकी कटिंग करके रखा हुआ क्यूब्स में, और ये स्लाइस हैं अदरक के, हरी मिर्चे हैं 8 अदद, और एक अदद मैंने टमाटर बड़ा वाला कटिंग करके रखा हुआ है। ये मैंने 40 रुपए की इमली मंगवाई थी, एक कप हुआ है। इसकी गुठलियाँ मैंने भगो के निकाल दी हैं, और इसका वो मैंने पानी बना के रख लिया है, ये इसमें ऐड करना है। इसी तरह ये धनिया है, टमाटर है 1 अदद, ये 2 अदद बड़े प्याज हैं जो मैंने रफली काटे हुए हैं। ये नमक है 1 चम्मच, 1 चम्मच टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्चे हैं 1 चम्मच, आधी मैंने चमची ली है उसकी हल्दी की, आधी सूखा पाउडर है धनिया पाउडर जो है, और आधी मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। और इसी तरह स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये हल्दी आंच पे मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, ये मैंने 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह मैंने गोल्डन ब्राउन करके, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर कटा हुआ ऐड करूँगी। जब मैं अच्छी तरह मसाला भून लूँगी तो उसके बाद मैंने इसके अंदर चने ऐड कर लिए। तो ये देखिए मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें मैंने टमाटर ऐड करना है और ये सारा मसाला ऐड करना है। अच्छी तरह भून लूँगी, उसके बाद हम इसमें चने डालेंगे। इसी के साथ मैं ये इमली का जो पानी बनाया था वो डाल दूँगी। जैसे ये भून जाएगा अच्छी तरह मसाला, तो फिर इसमें चने हम ऐड कर देंगे। मसाला रेडी हो चुका है और इसमें अब मैं डालूंगी चने। इसी के साथ मैंने ये जो पीस के आलू रखे हुए थे वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी ग्रेवी जो होगी वो थिक हो जाएगी। चम्मच चलाते रहें ताकि ये आलू जो है वो नीचे लग ना जाए। ये चने कितने अच्छी तरह भुने गए हैं। इसी तरह अब हमने इसमें 5 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। ये मैंने जो कटिंग आलू किए हुए थे वो भी डाल दिए, ये टमाटर है, हरी मिर्ची है, और ये प्याज है। झटपट में तैयार होने वाला साधन है ये भी इमली वाले चने। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे अच्छी तरह धो के, और ताकि ये झटपट में तैयार हो जाए सालन। ये मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया है, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। जी तो ये चने मेरे रेडी हो चुके हैं, ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, और अब हम डिश आउट करेंगे इसको। ये देखें मैंने चने डिश आउट कर दिए, और ये मैं अब इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। गार्निश कर लिए हैं मैंने, और ये मैं टेस्ट करूंगी, और बहुत यम्मी है ये, वैसे भी खाए जाते हैं। बहुत मज़े, आप चम्मच के साथ भी वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खाएं, बहुत मज़े का है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।